दोस्तों, अगर आपके पास Realme C61 फ़ोन है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस फ़ोन में आप OTG केबल अगर लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं, क्या आपको उसमें सेटिंग करनी पड़ती है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास USB है ये अलग से टाइप सी का, और यहाँ पर देखिए पेन ड्राइव में लगाया हुआ है 32 GB का। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर लगाने के लिए आपको क्या सेटिंग करनी पड़ती है, डायरेक्टली आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हम देखिए इसमें पोर्ट में इसको लगा देते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या सेटिंग देता है। अभी आपके सामने यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई भी सेटिंग अभी तक नहीं ओपन हुई है। अगर आपको यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर स्टेटस बार में यहाँ पर भी आपको कुछ शो नहीं करता है, तो फिर आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार दिखाई देगा, सर्च बार में क्लिक करना है और आपको लिखना है OTG। जैसे ही आप यहाँ पर OTG लिखेंगे, देखिए आपके सामने OTG की यह सेटिंग जो है ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये OTG कनेक्शन जो है ये अभी डिसेबल है, इसको हम इनेबल कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इनेबल करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए आपके सामने ये देखिए डिवाइस स्टोरेज खुल के आ चुका है, ये जो है OTG लग चुका है। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए सारे फोल्डर यहाँ पर आ चुके हैं और इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि दोबारा इसको हम अगर निकाल लेते हैं, दोबारा फिर से लगाते हैं तो क्या बताता है। देखिए हमने हटा दिया, यहाँ से हट चुका है, दोबारा फिर से लगाएंगे तो अभी देखिए यहाँ पर दोबारा फिर से ये लग चुका है। तो केवल एक बार ही आपको यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, और आपका OTG जब भी आप लगाना चाहेंगे तो ये लग जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर लाइक कर लीजिएगा।